मथुरा में वकीलों ने साथी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में पुलिस लाइन के सामने जाम लगा दिया। वकीलों ने पुलिस लाइन के गेट को भी बंद कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिए जाने के बाद वकील सड़क से हटे। इस दौरान करीब एक घंटे तक जाम रहा। मामला छाता कोतवाली इलाके का है, जहां ढाबे पर खाना खाने गए वकील भूपेंद्र ठाकुर पर ढाबा मालिक और उसके लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद अधिवक्ता ने अपने साथ घटी घटना की तहरीर थाना छाता में दी। आरोप है कि पुलिस ने वकील पर जानलेवा हमले के आरोपियों को तो गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि धारा 354 के तहत वकील पर ही मामला दर्ज कर दिया। पुलिस प्रशासन अधिवक्ता गण के साथ मारपीट हो गई थी होटल वाले के साथ, उसमें मुकदमा पंजीकृत है, उसमें कार्रवाई के लिए ये लोग बैठे हुए थे और इनका ये कहना था कि हम बाधित थे, हमारे खिलाफ फर्जी 354 लिख दिया गया। तो मैंने कहा सही जांच करा के 6 घंटे में 354 अगर फर्जी है तो एक्सपेंज होगा और आपके मुकदमे में अगर सही है तो उसमें 7 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। कैसे आश्वासन दिया, क्या बात? नहीं, ये बताया गया कि छाता तहसील में ये किसी होटल पे खाने को लेकर के कुछ विवाद होटल मैनेजमेंट से और एडवोकेट से हुआ था, जिसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसके विरोध में आज ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों की बात भी सुनी गई है और उस पर जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे युवा साथी भानु प्रताप सिंह एडवोकेट हैं। 2 फरवरी की रात्रि में वो किसी खाने पे होटल पे ढाबे पे खाना खा रहे थे, खाने में कोई कीड़ा निकला, उसकी शिकायत उन्होंने होटल मालिक से की। होटल मालिक ने अपने तमाम बैड एलिमेंटों के साथ में वकील साहब के साथ मारपीट की, लाठी डंडों सरियों से हमला किया, उनका सर फट गया, सर में काफ़ी टांके आए हैं और वकील साहब जैसे वहाँ से भागने लगे तो हत्या करने के उद्देश्य से ढाबा मालिक ने वकील साहब पर गोली चलाई, फायर किया, वकील साहब बाल बाल बचे। उसी दिन 3 फरवरी को अगले दिन नामजद FIR थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई। नामजद मुलजिम 307 के होने के बावजूद इंस्पेक्टर छाता अभी तक एक भी मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, मुलजिमानों को बचाने में पड़े हुए हैं। विगत 8 दिन पूर्व शुक्रवार के दिन ही हमारे वकीलों का प्रतिनिधि मंडल कप्तान साहब SSP मथुरा से मिला इसी संदर्भ में और कप्तान साहब ने इंस्पेक्टर छाता को आदेशित किया, लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान साहब के आदेश पर कोई अमल न होकर के हमारे युवा साथी वकील साहब के साथ ढाबा मालिक की तरफ से एक झूठा मुकदमा 354 का दर्ज कर लिया कि जिससे किसी तरह से समझौता बने। तो ऐसे झूठा मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ और मुलजमान जो गिरफ्तार नहीं किए हैं उनके खिलाफ हमारे अधिवक्ता भाइयों में काफ़ी आक्रोश है और इसी आक्रोश को लेकर के यहाँ जन आंदोलन किए हुए हैं। जब तक मुलजमानों की गिरफ्तारी नहीं होगी हम किसी भी कीमत पर अपने आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।